हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो जैसे कि मैंने आपको कहा था, मार्केट के ऊपर जाने के ही चांसेस हैं और मार्केट ने हमारे कॉस्ट प्राइस दैट इज़ 224 पर ऑलरेडी ट्रेड कर लिया है और हमारा जो एसएल है वो हिट हो चुका है, क्योंकि हमने अपने एसएल को कॉस्ट टू कॉस्ट पे ट्रेड कर लिया था। तो जो हमारा जो पोजीशन थी उसमें भी अराउंड 13 रुपीज़ का प्रॉफिट ही रहा है, हमें कोई लॉस नहीं हुआ है। ये वाली पोजीशन जो है ये हमारी कैरी फॉरवर्ड की है, दैट इज़ हेजिंग पोजीशन। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम री एंट्री करेंगे अगर मार्केट दोबारा नीचे की तरफ आएगा और हमारा एसएल होगा ये, दैट इज़ डे हाई। सो लेट्स वेट, वो हम वेट कर रहे हैं किसी एक कैंडल के लो को क्रॉस करने की, दैट इज़ इधर दिस वन या इसके ऊपर भी अगर कोई और कैंडल बनती है, सपोज़ यहाँ पर बन जाती है तो हम उसके लो को ब्रेक करते ही अपनी एक पोजीशन को एग्जीक्यूट करेंगे। जैसे देखिए, हाँ, हमें इस जो कैंडल है इसके फिनिश होने की, दैट इज़ पूरे 5 मिनट्स पे ये कैसी क्लोज करेगी, क्लोजिंग की वेट करनी होगी। इधर ये इसको क्लोज, इधर ये इसको ब्रेक करेगी, इधर ये अपने हाई को ब्रेक करेगी। लेट डिसाइड कि जो कैंडल है वो किस तरह की बनेगी। 5 मिनट्स में कैंडल, अभी के जो टाइम हो रहा है दैट इज़ अराउंड 9:32, इट्स 3 मिनट्स लेफ्ट फॉर द क्लोजिंग ऑफ दिस कैंडल, वी शुड वेट फॉर दिस। सो अभी मार्केट का कलर ग्रीन है, कभी रेड है। ये मार्केट का जो लो है वो 44,100 पे बनने की पॉसिबिलिटी थोड़ी ज़्यादा है। सो मार्केट कंटिन्यूसली हायर हाइस बनाने की ट्राई कर रहा है। अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक कर गया सो देन देयर विल बी नो एंट्री फॉर अस टुडे, एट लीस्ट फॉर टुडे। 5 मिनट के कैंडल को हाई को ब्रेक नहीं करना चाहिए इसको, दैट इज़ 44,157 और 58, जो भी लेवल है यहाँ पर। और अगर यहाँ से ये प्राइस रिजेक्ट लेके वापस आता है, दैट अब देखिए मार्केट नीचे की तरफ आई, उसके बाद कम्प्लीटली ऊपर की तरफ जाना शुरू कर दिया, ये शो करता है कि मार्केट में अभी बुलिश मोमेंटम है और वी कैन से शॉर्ट टर्म बुलिश ट्रेंड है। इस वजह से जो हमारी जो कॉल शॉर्टिंग की जो हमारी जो, देखिए मैं इंटेंशनली सेलर हूँ, मुझे मार्केट के सेलिंग में ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। मैं बाएँ की तरफ जब भी कोई पोजीशन बनाता हूँ वो मुझे में इतना कॉन्फिडेंस नहीं आता जितना सेलिंग में आता, दैट्स वाई आई ऑलवेज वेट फॉर सेलिंग अपॉर्चुनिटी। अगर ये मार्केट के डे हाई को ब्रेक करता है तो आज के लिए हमारे पास कोई पोजीशन नहीं होगी। अगर ये इस कैंडल के लो को ब्रेक करेगा देन वी कैन एंटर दिस पोजीशन, दैट इज़ 44,000 कॉल, यस दैट इज़ 44,000 कॉल पोजीशन, जो हमने मार्केट ऑर्डर पर अभी लगा के रखा हुआ है। देखिए जैसे ही इसके लो को ब्रेक करेगा मैं अपनी पोजीशन को एग्जीक्यूट कर दूंगा और इसी कैंडल का हाई, दैट इज़ दिस वन, ये तो हमारे पास जो इंडेक्स का चार्ट है हम इसको ऑप्शन में देखेंगे, जो भी प्राइस होगा उसके हाई को मार्क कर देंगे 5 मिनट में जाके, ताकि जो हमारा एसएलस हो वो भी थोड़ा छोटा रहे, हमारे लॉस ज़्यादा ना हो। हाँ, अगर मार्केट कम्प्लीटली 2 दिन से डाउन ट्रेंड में होता तो मैं अपने एसएल को थोड़ा बहुत बड़ा रख सकता था, क्योंकि मैं जानता था अल्टीमेटली मार्केट को नीचे ही जाना है, बट अभी मुझे पता है अल्टीमेटली मार्केट ऊपर ही जाएगा। सो आई एम वेटिंग फॉर ट्रेंड चेंज, दैट इज़ रिवर्सल ऑफ ट्रेंड। अगर मार्केट को नीचे जाना है तो वो 5 मिनट को ब्रेक करेगा ही नहीं। देखिए अब ये नीचे की तरफ जा रहा है, जैसे ही इसको ब्रेक करेगा वी विल एंटर दिस लेवल, दैट इज व्हेन मार्केट ट्रेड बिलो 44,099, दैट इज मार्केट ट्रेड अराउंड 44,090 हम अपनी पोजीशन में एंटर करेंगे। अदरवाइज अगर अब मार्केट नीचे नहीं आया तो मार्केट ऊपर ही जाता रहेगा जब ये 44,150 को क्रॉस करेगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत डे हाई पे बहुत ज़्यादा या काफ़ी लोगों के एसएल प्लेस्ड होंगे, उसको वो ट्रिगर करते ही मार्केट ऊपर की तरफ 40-50 पॉइंट्स का एक मोमेंटम आएगा। सो वी आर वेटिंग फॉर अवर पोजीशन, बट हमें कोई एंट्री अभी मिली नहीं है। वी आर वेटिंग फॉर मार्केट टू क्लोज बिलो 44,107 और 44,099। देखिए मार्केट कंटिन्यूसली ग्रीन कैंडल बना रहा है, दैट इज़ द मार्केट इज़ नॉट इन आवर फेवर। आज हमें एक लेसन है जो सीखने को मिल सकता है आज के ट्रेडिंग सेशन में, कि मार्केट अगर हमारे फेवर में नहीं आता है तो हमको एंट्री नहीं लेनी। हम एंट्री तभी लेंगे जब मार्केट हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से सही बैठेगा, हमारे रूल्स या ट्रेडिंग प्लान और सेटअप, समथिंग कुछ भी आप कह लीजिए। अगर मार्केट हमें उस कंडीशन में मिलेगा जिस कंडीशन में हम ट्रेड करना चाहते हैं तो हम ट्रेड करेंगे, अदरवाइज हम ट्रेड नहीं करेंगे। अब देखिए मैं स्कैंडल के लो के लिए वेट कर रहा हूँ ब्रेक करने की, ये हाई ब्रेक नहीं होना चाहिए और ये लेवल क्रॉस करते ही
मैं आराम से अपने कोस्ट टू कोस्ट पे ट्रेल करके अपने सेटअप को बंद कर दूंगा, जो होना होगा हो जाएगा। एक चीज़ हो रहा है, देखिए मार्केट ने ये कैंडल बनाई है। ओके कलर चेंज कर लेता हूँ उसका, रेड। ठीक है, मार्केट इसके 50% के ऊपर ट्रेड कर रहा है, विच शोज़ ए बुलिश साइन। इधर मार्केट इसके 50% के नीचे ट्रेड करे या एक कोई 5 मिनट कैंडल की लो को ब्रेक करे, दैट विल बी आवर एंट्री। जैसे ही इसके 50% के नीचे ट्रेड करेगा, हमारा जो कॉन्फिडेंस है वो थोड़ा बढ़ जाएगा कि मार्केट ये जो मूव है, ये वाला मूव, इसको डाइजेस्ट कर गया। अगर सेलर को आना है वो अभी आएंगे, अदरवाइज सेलर के पास कोई ऑप्शन नहीं है। देखिए यहाँ एक चीज़ हो रहा है, देखिए सेलर के पास एंट्री का मौका कहाँ पर मिलेगा, इधर यहाँ पर है जो डे 5 मिनट कैंडल पे, एक ये हाई है 44,200, यहाँ से एक स्विंग आया था। आप थोड़ा इसको मैं जूम कर देता हूँ, ये देखिए अभी मार्केट यहाँ ट्रेड कर रहा है। यस मार्केट यहाँ ट्रेड कर रहा है, लेकिन मार्केट का सेल ऑफ इस पोजीशन से आया, दैट इज 44,200 पे कुछ सेलर्स आ सकते हैं। उसके बाद मार्केट के पास कौन सी जगह होगी जहाँ पे एक सेलर एंट्री कर सकेगा, ये वाली 44,400, और इसके पास 44,500 का एक राउंड लेवल भी है। तो मोस्ट प्रोबेबली सेलर्स इस लेवल का वेट करेंगे, इस लेवल का 44,000, इस लेवल का। तो मार्केट अगर ऊपर भी जाएगी तो हद से हद यहाँ तक जा सकती है, या 44,000 इधर इसको स्मॉलर या माइनर रिजेक्शन मिलेगी 44,200 पे, मेजर रिजेक्शन के चांसेस है 44,400 के। तो अगर देखिए मार्केट को मैं चेक कर लेता हूँ, शायद हमें एंट्री मिल जाए। हाँ देखिए मार्केट ने इसके लो को ब्रेक किया है, तो हमें अब अपनी पोजीशन में एंट्री मिल गई है। हम अपनी पोजीशन को एग्जीक्यूट करते हैं, ये लीजिए हमारी जो पोजीशन है वो एग्जीक्यूट हो गई है, और एग्जीक्यूट की जो प्राइस है दैट इज़ 223। ये देखिए, और जो हमारा एसएल होगा उसके लिए हम ऑप्शन प्राइस पे जाएंगे चेक करने के लिए कि इसका ये वाला जो हाई है, दैट इज़ दिस वन, ऑप्शन प्रीमियम पे कितने का बना। तो हम ऑप्शन चार्ट पे चलते हैं, देखते हैं ये जो बनी है यू टर्न कहाँ पर बना है, दैट इज़ हाँ ये रहा हमारी जो पोजीशन की एंट्री होनी चाहिए थी, इस लेवल पे 230 पे हमने किया है, 24.6 पॉइंट का लॉस वहीं पर हो गया अपने को, और हमारी जो एग्जिट होगी 239 और 240, चलो 240 मैक्सिमम हमारे दिन का लॉस। अब हम अपना एसएल प्लेस करते हैं, एग्जिट ट्रिगर बाय 241। ये देखिए अपना ये एसएल प्लेस हो गया है, और अब हम अपने सिस्टम को करेंगे बंद और अपने दिन को करेंगे एंजॉय। तो मैं शाम को आपको अपडेट करूंगा मेरी इस पोजीशन के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, काइंडली लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल, स्टे ट्यून्ड।